हाय दोस्तों, राजवंत सिंह मौली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ये क्यों लिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये भरा पड़ा है कि हम बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते, हम बिना पैसे के कोई काम ही नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई समाज में विचर नहीं सकते। तो ये लोगों के जो दिमाग में है, तो इसके बारे में आज मेरा मन करा कि मैं आपके साथ कोई बात शेयर करूं। तो ये बात शेयर करने के लिए मैंने इसका आज का जो टॉपिक रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, इसमें मैंने एक लाइन और ऐड की है, ट्रेडिशनल एजुकेशन कैन नॉट सॉल्व योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मतलब जो आपको स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है वो फाइनेंशियल एजुकेशन से बहुत दूर है। जो ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं ये स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, और जब हमें कोई दिक्कत आती है तो फिर हमें पता लगता है कि यार इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत दोस्त जैसे कहते हैं कि हमें बिजनेस करने के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। मेरे जो इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनमें मेरे से बात करते हैं, तो बात करते कहते हैं सर जैसे आप बात कर रहे हो तो इस तरीके से तो आपके पास हम 5 करोड़ रुपये के साथ बिजनेस शुरू कर लें। मैंने कहा भाई नहीं, हम 5 करोड़ से बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, हम बिना पैसे के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है उसको ठीक करना पड़ेगा हमें। जब आप हम अपना एटीट्यूड ठीक कर लेते हैं तब जाके हम उसमें किसी भी मतलब काम में कामयाब हो सकते हैं। सो दोस्तों, मैं ज़्यादातर एग्जांपल ये देता हूँ कि यदि मैं किसी बंदे को आज 5 करोड़ रुपया दे दूँ, क्या वो 5 करोड़ रुपये को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लेगा? यदि आप सोचते होगे कि हाँ हम कर सकते हैं, तो ये अगली एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ वो आपके लिए है। आप सभी ने सुशील कुमार का नाम सुना होगा। सुशील कुमार कौन थे? ये ईस्ट चंपारण बिहार के कौन बनेगा करोड़पति 5 के विनर है। 5 करोड़ रुपया जीता इन्होंने। 5 करोड़ रुपया जीतने के बाद 2015-16 में हुआ था ये एपिसोड, और इन्होंने 5 करोड़ रुपया जीत के पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत हासिल की थी। लेकिन आज इसकी क्या पोजीशन है, इनका जो उसके ऊपर अपनी फेसबुक पोस्ट है 15 सितंबर 2020 की, उसमें इन्होंने क्या 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 चीज़ें कन्फेस की हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसने 5 करोड़ रुपया जीत लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब पैसा आता है, मैं हमेशा कहता हूँ मनी इज़ एक्सीलेंट सर्वेंट बट बैड मास्टर। पैसा जो है आपका शानदार नौकर हो सकता है, लेकिन जिस आदमी ने इसको अपना मालिक बना लिया उस आदमी का इसने भट्ठा बटा दिया। सो ये जो मतलब जब इसने 5 करोड़ रुपया जीतने के बाद पैसा तो आ गया, लेकिन पैसे को कंट्रोल करना इसको नहीं आया। दूसरी मैं एग्जांपल देता हूँ, मनी कैन बी कंपेयर्ड विद ए रेस्टिव हॉर्स। रेस्टिव हॉर्स का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी घोड़ा, उसके साथ हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का तभी फायदा है यदि आप उसको चलाना जानते हो, उसके ऊपर सवारी करना जानते हो, उसकी लगाम पकड़ना जानते हो। सो इस मित्र ने क्या करा, 5 करोड़ रुपया जीत लिया। 5 करोड़ रुपये जीतने के बाद जैसे गाँव में गया तो बल्ले बल्ले हो रही थी सब जगह पे, उसकी बहुत आवभक्त की बिहार वालों ने भी की, और जैसे जैसे इसके पास पैसा दिखा लोगों को तो लोगों ने इसको VIP बना दिया। वहाँ लोकल सेलिब्रिटी बन गया ये। लोकल सेलिब्रिटी बनने के बाद कोई किसी मंदिर में जा रहा है, किसी टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बन के जा रहा है, किसी में कुछ बन के जा रहा है। इसने ये बताया कि मैं 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा चैरिटी करनी शुरू कर दी। 50,000 रुपया पैसा तो मतलब आ गया। यदि पैसा कमाया होता तो पता होता कि किस दर्द से पैसा कमाया। लेकिन जो इजी मनी है, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो लॉटरी से मिला हो, चाहे KBC वाला मिला हो, या कोई जो फिल्म स्टार है उनके पास हो, या कोई टॉप का एथलीट हो, जिस आदमी ने अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, उनमें से बहुत बंदे ऐसे हैं जो अपने उस पैसे का अपने बुढ़ापे में फ़ायदा नहीं ले सके। उनमें से ये सुशील कुमार है। ये सुशील कुमार की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ताजी ताजी एग्जांपल आपके दिमाग में रही होगी। तो इसने 50,000 रुपये महीने की सेलिब्रिटी मतलब वो जाके डोनेट करना शुरू कर दिया, मंदिर में कर दिया, कोई टूर्नामेंट में दे दिया, कोई कुछ दे दिया। और उसके बाद फिर क्या करा इसने, इसने
मतलब इसके दिमाग में कीड़ा बैठ गया कि मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं, तो मैं क्यों ना कोई इन्वेस्टमेंट करूं। कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करने लगे, इन्वेस्टमेंट विदाउट एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के इन्वेस्टमेंट करना, वो पैसा डूबना शुरू हो गया। मुंबई में चला गया, मुंबई में जाके वहाँ फिल्म लाइन में ट्राई करना शुरू कर दिया कि मैं शायद फिल्म बना लूँ, टीवी सीरियल बनाने शुरू किए। वहाँ भी वहाँ जाके क्या हुआ, पैसा सारा डूब गया, और उस पैसा डूबने की वजह से अल्कोहल पीनी शुरू कर दी, अल्कोहल के साथ सिगरेट पीनी शुरू कर दी। सिगरेट पीने से घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, वाइफ के साथ स्ट्रेंड रिलेशनशिप हो गई। तो दोस्तों, जहाँ से सुशील कुमार चला था 5 साल पहले, जब मतलब 2015 से पहले जो टीचर लगा हुआ था, कंप्यूटर का टीचर था, मेरे को याद है, मैंने ये एपिसोड खुद देखा था। तो आज भी मतलब 5 करोड़ रुपया आने के बाद भी आज भी वो उसको टीचर बन के नौकरी ही करनी पड़ रही है। सो पैसा आना और चीज़ है, पैसे को कंट्रोल करना और चीज़ है। मैंने दूसरी एग्जांपल अपने पर्सनल बंदे की, मतलब पर्सनल मेरा बहुत अजीज दोस्त है, उसने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़मीन बेची थी 2008 में, और उसने अपना घर बना लिया। घर बनाने के बाद बाहर घूमना शुरू कर दिया, कहीं कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, और आज वो आदमी भी बिल्कुल जीरो लेवल पे चला गया, बसों में धक्के खा रहा है। और जब उसको 2 करोड़ पे आया था, तब उसने होंडा सिटी कार रखी हुई थी, और पता नहीं क्या कि घर पे कितने पैसे लगाए। सो दोस्तों, ये जो हम गलतियाँ करते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं, इन इमोशनल डिसीजन से बचने की हमें ज़रूरत रहती है। सो मैं आपको इस वीडियो के जरिए यही मैं मतलब एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, या सलाह देना चाहता हूँ, एडवाइस करना चाहता हूँ। बड़े भाई होने के नाते आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई इस तरीके का पैसा आता है, तो वो पैसा आपके लिए बहुत कई बार परेशानियां खड़ी कर देता है। अब सुशील कुमार ये कह रहा है कि यदि मेरे पास ये 5 करोड़ ना आता तो मैं शायद आईएएस बना होता। तो आईएएस बना होता तो आईएएस तो नहीं बना, लेकिन वो गलत आदतों का शिकार हो गया। जैसे जैसे पैसा आया, उसके पास वो गलत आदतों का शिकार होने की वजह से आज वो बर्बादी के मतलब कगार पर खड़ा है। सो दोस्तों, मनी इज़ एक्सीलेंट सर्वेंट बट बैड मास्टर, मैं बार बार कहता हूँ, पैसा जो है आपका शानदार नौकर हो सकता है, लेकिन पैसे को संभालना आना भी बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही मैसेज है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। जिस दोस्त ने वीडियो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लो, ताकि आपके साथ कोई ऐसी वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।